भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच वैक्सीन की सुगबुगाहट तेज हो गई है। अलग अलग कंपनियों की ओर से भारत में बनाई जा रही वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लेने कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद जा सकते हैं। पीएम मोदी के पुणे दौरे की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी कल यानी 28 नवंबर को पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का दौरा करेंगे। इसके साथ ही वह हैदराबाद भी जा सकते हैं, जहां भारत बायोटेक का ऑफिस है, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कोवैक्सीन नाम से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन तैयार कर रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अहमदाबाद भी जा सकते हैं। अहमदाबाद में जाइडस कैडिला की फैसिलिटी है, जिसने जाइकोविडी नाम से वैक्सीन बनाई है, जो दूसरे फेज के ट्रायल में है। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी तीनों वैक्सीन कंपनियों से तैयारी पर चर्चा करेंगे और वैक्सीन के वितरण की रणनीति बनाएंगे। आपको बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड रेस में सबसे आगे है। सीरम इंस्टीट्यूट की योजना है कि यूनाइटेड किंगडम में वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिलते ही भारत में इसके लिए अप्लाई कर दिया जाएगा। कंपनी ने वैक्सीन का रिस्क प्रोडक्शन पहले से ही कर लिया है। वही भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का देश भर में अंतिम चरण का ट्रायल चल रहा है। 2021 की पहली तिमाही तक इस वैक्सीन के आने की उम्मीद है, जबकि जाइडस कैडिला की जाइकोविडी का दूसरे फेज का ट्रायल चल रहा है। कंपनी को उम्मीद है कि अगले साल की दूसरी तिमाही तक वैक्सीन मार्केट में आ सकती है। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।